हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं आर स्टूडियो के अंदर सीएफए और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पे कैसे काम करते हैं। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास तीन सिंबल हैं, इक्वल टू टिल्ड, डबल टिल्ड, सिंगल टिल्ड। सिंगल टिल्ड हमने यूज़ किया हुआ है रिग्रेशन के अंदर या अनोवा के अंदर, टी टेस्ट में भी किया था, जब हम एक्सप्रेस करते हैं कि एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रिलेशन है। डबल टिल्ड यूज़ होता है जब हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन। इक्वल टू टिल्ड का मतलब होता है कि मैं कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम एमओस में देखें, एमओस में आपको याद है टू साइडेड एरो का मतलब था कोरिलेशन, वन साइडेड का मतलब होता था स्ट्रक्चर रिलेशन, और एक सर्कल के अंदर हम तीन चार बनाते थे सर्कल बॉक्स, ये होता था डेफिनेशन। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारे पास आर स्टूडियो में है। सबसे पहले मैंने अपोस्ट्रोफ लगाया, इसका मतलब ये अब मैं सारा डिफाइन कर रहा हूँ, ये सिंटैक्स है मेरा। कैसे? डी वी जो बना है 1 2 3 4 से बना है, तो इक्वल टू टिल्ड लगेगा, कोई कोमा वगैरह कुछ नहीं। आई डी वी इससे बनेगा, एम इससे बनेगा। आगे मैंने लिखा यहाँ पे हैश का मतलब होता है ये कंपाइलर नहीं पढ़ता, अगर इसको कमेंट बोलते हैं, कमेंट का मतलब ये कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ, मैं कुछ लिखना चाहूँ अपने लिए, तो हैश लगा के जो लिखेंगे वो आता है। देखो, जैसे ही मैं हैश लगाऊंगा ना, ये अभी तो इसका कलर ब्लैक है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे हैश लगाया इसका कलर ग्रीन हो गया, तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ यूज़र के लिए है कि भाई मेरा ये मतलब है इस बात से। तो अब मैंने यहाँ लिखा डी वी आई डी वी डबल टिल्ड, डी वी एम डबल टिल्ड, आई डी वी डबल टिल्ड। ठीक है, सिर्फ इतने को एक बार रन करके देखें, तो मैं जो इसके आगे की चीज़ें हैं इनको अभी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से करनी है हमें ये बात भी डिस्कस। और जहाँ हमने अपोस्ट्रोफी ख़त्म किया, ये पूरा एक ब्लॉक पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ रिक्वायर, ओके, ये नहीं देखना, सेकंड, ये सारा मेरा जो चल रहा है कुछ मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा एक इशू कर दिया है यहाँ पे। इशू ये हुआ कि मैंने यहाँ पे सी हट गया इसका, इससे पहले लिखा हुआ था सी इज इक्वल टू, वो ज़रूरी है, ये एक एरर हो गया था, सी इज इक्वल टू, तभी तो इसका सी में स्टोर होगा। ओके, रन, ये सी में आ गया, और सी एफ ए को रन करें, सी एफ ए रन हो गया, और समरी देखें इसकी, समरी। अब आप एक और चीज़ पाएंगे जो पिछले वीडियो में हम नहीं देख पा रहे थे, शुरू से देखें, ये तो आपके पैरामीटर एस्टिमेट्स वगैरह थोड़े से बताता है, ये डी वी आई डी वी ये वही चीज़ चलते जा रहे हैं, सारे के सारे वही बीट आ रही है, कोवेरियंस वही आ रहा है, और वेरियंस भी वही आ रहा है। अब इनके साथ हमारा कहीं पे एक कोरिलेशन भी आपको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, लेट्स चेक वंस अगेन, डी वी आई डी वी एम एम ये भी ठीक है, और स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ट्रू भी हमने कर रखा है। अब एक बार इसे आराम से देखते हैं, डी वी आई डी वी का जो रिलेशन है वो है 489, यहाँ पर आ गया कोवेरिएंट्स के साथ। इसमें पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पहले मैंने ये डिफाइन नहीं किया था, ये इनका स्ट्रक्चर टू साइडेड, ये ऐसे ही है जैसे आप एमओस में टू साइडेड एरो अगर नहीं लगाओ तो ये थोड़ी आएगा, या अगर आप यहाँ पे इस पर टिक ना करो तो भी नहीं आएगा। तो उसी तरह से अब इनको हम मिला लेते हैं, डी वी आई डी वी का जो आर है स्टैंडर्डाइज जो हमारा है वो है 0.489, डी वी और आई डी वी का, डी वी आई डी वी 49 है ना, मतलब ये आपको पता होगा कि एमओस 2 के लिए प्रोग्राम्ड है। यहाँ चेक करते हैं हम कोरिलेशन, यस 489, डी वी और एम का 651 है, ओके, डी वी और एम का 651 है, और आई डी वी और एम का 383 है, सो आई डी वी एम का 383 है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आपको इनके आपस में देखने हैं जैसे इनका रिलेशन, इनका स्ट्रक्चर्स का, तो आपको आर में एक एक्स्ट्रा चीज़ अब ये लिखनी पड़ेगी कि इनके रिलेशन, भाई यहाँ दिखा देता हूँ, इनके रिलेशन आप एक्सप्रेस करें, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब हम अगले पे आते हैं कि इसी के अंदर अब ये डिफाइन है डी वी क्या है, आई डी वी क्या है, प्लस अब मैं यहाँ चलता हूँ रिग्रेशन के लिए। मैंने यहाँ डिफाइन किया एक है डी वी, तो पहले आपको मैं एमओस में समझा देता हूँ, ये एमओस में एक है डी वी, तो एरो कैसे आ रहे हैं, डी वी से आई डी वी पे एक एरो जा रहा है, और डी वी पे एम से एक एरो जा रहा है, तो डी वी पे तो दो है एरो, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू एम एंड सी इंटू आई डी वी, यानी ये जो वैल्यू आएगी एम से जो वैल्यू आएगी इसका नाम मैं ए लिख रहा हूँ, इस पे जो वैल्यू आएगी ना उसका नाम मैंने ए डिफाइन कर दिया, ए इंटू एम प्लस यहाँ से जो इफेक्ट जाएगा उसको सी डिफाइन कर रहा हूँ, सी इंटू आई डी वी। और एम क्या है, अगर आप देखें ये भी एक तरह का सिंपल रिग्रेशन है, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, एम डिपेंड्स ऑन आई डी वी, और इसको मैंने लिखा बी इंटू। अब एक तो जाता है सीधा इफेक्ट, इसको बोलते हैं टोटल, एक जो इसके थ्रू जाता है उसका नाम होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, तो ये दो का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने ये ए डिफाइन किया है, ये बी डिफाइन किया है, तो
मेरा इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट के लिए आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा कॉलन इक्वल टू। अब ये एक चौथी चीज़ है, मैंने ऊपर यहाँ डिफाइन नहीं की, मुझे ये भी लिख देनी चाहिए इसके साथ कि चौथी चीज़ होती है कॉलन इक्वल टू। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आता है। सो लेट मी चेंज इट टू फोर सिंबल्स। ओके, तो पहले ये लिखा मैंने रिग्रेशन तरह का, और अब मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया इनडायरेक्ट होगा ए इंटू बी, डायरेक्ट होगा सिंपल सी, और टोटल होगा ए इंटू बी, दोनों को ऐड कर दें। तो इस चीज़ को अब हम वहाँ ले चलते हैं आर के अंदर, लेट सी, सी हमने लिख रखा है, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना है ये वाला पार्ट। ओके, और कहाँ पेस्ट करना है, टिल्ड के अंदर ही पेस्ट करना है, इससे पहले पहले, राइट। तो अब क्या होगा, देखिए ये हो गया डेफिनेशन पार्ट, दूसरा हो गया रिलेशन पार्ट कोरिलेशन, ये हो गया रिग्रेशन पार्ट, और ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलकुलेट होके आ जाए। और रिमेंबर ये सारा लवान के अंदर ही चल रहा है। टोटल अभी भी तीन ही कमांड है हमारे पास, एक सी डिफाइन किया मैंने, नीचे का साफ करूँ, ऊपर सिंटेक्स में कैसे काम करते हैं, कंट्रोल एंटर से, या तो आप रन कर दीजिए या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर, रन हो गया जी सी एफ ए। अच्छा ये कहीं पे भी टिक हो, नॉट नेसेसरी सेंटर में हो, कहीं पे भी हो, कंट्रोल एंटर, रन हो गया। ओके, इसने कहा तो कुछ एरर हो गया, देखते हैं क्या एरर बताया। इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी रिट्रीव्ड, मॉडल इज नॉट आइडेंटिफाइड। अच्छा लेट्स सी, चेक करते हैं क्या हुआ इसमें। डी वी है हमारा ए इंटू एम। ओके एक मिनट, मैं इसको हटा के चेक करता हूँ, एक मिनट के लिए इनको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं भूल जाओ तुम, कंट्रोल ओके, कंट्रोल एंटर राइट, कंट्रोल एंटर राइट, एक ही में मैं दोनों रन कर रहा था शायद इसलिए गड़बड़ थी। और समरी, समरी भी निकालें। अब क्या आ गया, अब मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी कैलकुलेट होके आ गए, डायरेक्ट इफेक्ट और ये स्टैंडर्डाइज है, ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो अभी मैं बूटस्ट्रैपिंग नहीं कर रहा, मैं सिंपल इफेक्ट देखता हूँ क्या आएगा। ओके, स्ट्रक्चरल मॉडल है और इसको रन कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चरल मॉडल पे अब हम आते हैं, एस्टिमेट्स मैट्रिसेस टोटल इफेक्ट देखें। पहले एक बार स्टैंडर्डाइज ही चेक कर लेते हैं हम, स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट, वो सिर्फ आईडीवी का डीवी पे आएगा। अब ये बहुत सारे दे रहा है, एमओस को नहीं पता कि आप इसकी बात कर रहे हो। एमओस के लिए तो ये भी हो सकता है आईडीवी से डीवी और डीवी से Q4, ये भी एक तरह का मीडिएटर है एमओस के लिए। नहीं, हमारे लिए सिर्फ आईडीवी और डीवी को हम चेक करेंगे। ओके, तो एस्टिमेट्स में मैट्रिसेस में स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट, डीवी का आईडीवी पे 208 है और आर क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट हमारा 208। ओके, मेक सेंस। जो हमारा टोटल डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट डीवी का आईडीवी पे 182 है, तो ये देखिए 182 डीवी का आईडीवी पे, ये है स्टैंडर्डाइज हमारा 182 है। और अगर हम स्टैंडर्डाइज देखें तो ये हो जाएगा 281 करेक्ट। टोटल इफेक्ट जो हमारा है, ये हमारा टोटल है, आईडीवी का डीवी पे है 489 ठीक है। और अच्छा एम तो हमने निकाला नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही निकाले हैं, तो ये भी आपके सारे इफेक्ट आप यहीं पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ऑल इन वन हो गया ये ऊपर। अब देखो ये हमने, मैं आपको बड़ा दिखाता हूँ, यहाँ हमने किया तीनों के अंदर डिफाइन। अगर आपको सिर्फ निकालना है ए वी ई वगैरह, वो इनसे निकलेगा। आई होप आपको ये याद होगा कि ये जो ऊपर की वैल्यू आती हैं, ये सारी वैल्यू ये यूज की जाती हैं हमारी ए वी के लिए, और जो ये वाली वैल्यू आएंगी डी वी आई डी वी डी वी एम, ये यूज होती है एम एस वी ए एस वी के लिए। फिर हम रिग्रेशन पे चले गए, रिग्रेशन के अंदर हमने डिफाइन किया सारा, और फिर आगे फाइनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वो भी निकाल दिया। अब हमारी एक दो चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं, सेकेंड ऑर्डर पे कैसे काम करेंगे, हायर पे कैसे काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स पे कैसे काम करेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है ये चार सिंबल से काम करेंगे और इसी के अंदर काम करेंगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो, हमें कुल मिला के तीन ही लिखनी है, एक डिफाइन करना है, एक सी एफ ए रन करना है, और एक उसकी समरी देखनी है। मोटे तौर पे यही तीन चीज़ें हैं। तो एक बार इस पर आप काम करके देखें, फिर हम आगे चलते हैं हायर और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।